आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। नीमच जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर भरमड़िया गांव के समीप हाईवे पर स्थित नाकोड़ा लुब्रिकेट्स ऑयल फैक्ट्री से होने केमिकल के रिसाव को रोकने और फैक्ट्री बंद करने की मांग को लेकर शुक्रवार को कुछ किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एडीएम नेहा मीणा को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में 7 दिवस के भीतर कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में आत्महत्या की चेतावनी भी दी गयी। ग्रामीणों ने ज्ञापन बताया कि ग्राम भरभड़िया बाईपास रोड पर नाकोड़ा लुब्रिकेट्स ऑयल फैक्ट्री नामक कारखाना है, जो बायोडीजल का अवैध रूप से उत्पादन कर रहा है, जिसका कोई वैध लाइसेंस फैक्ट्री के पास नहीं है। फैक्ट्री भिलवाड़ा निवासी मोहित पिता सुनील बंसल और सुनील पिता जगदीश बंसल के द्वारा संचालित की जा रही है। इस फैक्ट्री से लगातार डीजल का रिसाव होता है, जो आसपास के सभी कुएं में जा रहा है, जिसके कारण ये डीजल मिला पानी किसानों की फसलों को गंभीर क्षति पहुंचा रहा है। इसके अतिरिक्त होने वाले रिसाव और केमिकल के वातावरण में फैल जाने से अत्यंत ही दुर्गंध आती है, जिससे वह ज्यादा देर तक रुका नहीं जा सकता और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन के अधिकारियों द्वारा भी सैंपल लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट भी जिला प्रशासन को उनके द्वारा 10 दिन पूर्व दी जा चुकी है, किंतु उक्त रिपोर्ट पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। मामले की शिकायत ग्रामीणों और किसानों द्वारा कई बार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को की गई है, लेकिन अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में किसानों की फसल खराब होने के कारण किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। यदि किसी भी किसान द्वारा आत्महत्या जैसा गलत कदम उठाया जाता है, तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। ज्ञापन में ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिवस के भीतर फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की जाती है और फैक्ट्री बंद नहीं करवाई जाती है, तो मजबूरन हम किसान आत्महत्या जैसा कदम उठाएंगे। उक्त मामले में एडीएम नेहा मीणा ने ग्रामीणों को मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विगत हम 3 साल से हमारे पास में एक फैक्ट्री लगी हुई है, उससे पीड़ित हैं और ये स्थिति हो गई कि वहाँ पे हम जमीन से भी और आसमान से भी दोनों तरह से प्रभावित हो रहे हैं और हमारा भविष्य, हमारा आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। हम शिकायतें कर करके थक चुके हैं। यहाँ जहाँ प्रदेश में जो प्रदेश के मुखिया अपने आप को किसान हितेशी बताते हैं, किसानों का बेटा बताते हैं और किसानों की भलाई के अपने काम बताते हैं, उनकी जानकारी में होने के बाद भी इन शिकायतों का निवारण नहीं हो रहा है और न ही फैक्ट्री प्रबंधन पे कोई कार्रवाई हो रही है। एक तरफ क्षेत्र के मुखिया इस प्रकार, उन्हीं के प्रदेश में जहाँ जिला नीमच के 7 किलोमीटर पास में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होना इस बात के और इंगित करता है कि इन सब की मिली भगत से और प्रशय से ये फैक्ट्री संचालन हो रही है और हम किसानों को पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित रूप से हमें आत्महत्याएं करने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से वैसे ही हमारा जीवन खतरे में और तिल तिल मरने के बजाय ये है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमें आत्महत्याएं करने पर मजबूर होना पड़ता। मैडम के पहले कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिए थे, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका कहना यह हुआ कि मेरी जानकारी में इस प्रकार का कोई मैटर नहीं है, आज आप लोगों ने अवगत कराया तो उन्होंने 7 दिन का समय हमसे मांगा है, 7 दिन में मैं सारी कार्रवाई करूँगी और अगर प्रदूषण बोर्ड के जो नाउंस होते हैं उसमें अगर ये कहीं पर फाइल में आ गया तो मैं निश्चित रूप से वहाँ ताले लगवा दूँगा। ये गांव भरभड़िया का 4 लाइन के पास नाकोड़ा ऑयल फैक्ट्री के द्वारा संचालक मोहित बंसल, पिता सुनील बंसल, सुनील पिता जगदीश प्रसाद बंसल द्वारा फैक्ट्री में अवैध बायोडीजल का काम चल रहा है, जिसकी शिकायत हमने 15-20 रोज पहले की थी। यहाँ आवेदन भी दे चुके हैं, कोई उसका कोई असर नहीं हुआ है। जनप्रतिनिधियों को भी हमें अवगत कराया, हमारे कुओं में बहुत सारी मात्रा में डीजल आ रहा है, उससे हमारे खेती में कैसे करें हम, उससे हमारे पानी पिलाते हैं और फसल नष्ट हो रही, जैसे आग लगाई जैसे सूख जाती, वो कुछ भी नहीं हुआ। सैंपल लिए थे प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड उज्जैन से, तो वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट भी भेज दी, अभी तक इस पर कोई प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 10-15 रोज हो गए, हमें फ़ोन पे बात की थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से तो हमें भेज दी, जो भी करना है वो प्रशासन करेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा काम था कि रिपोर्ट का
रिपोर्ट देने का, तो उन्होंने रिपोर्ट दे दी। क्या पता इनको मिली भगत से काम हो रहा है, फैक्ट्री संचालक द्वारा पैसे दे रहा होगा, तो इसकी इससे ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। हम फैक्ट्री को ताला लगाने उसको बंद करवाना चाहते हैं। आत्महत्या करेंगे, कुएं से डीजल ला के यहीं पे डाल के उसमें आग लगा के मरना है, ये और क्या। ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।